अस्सलाम वालेकुम, बनक किचन में खुश आमदीद। आज हम वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं, यानी आप इसको वेजिटेबल पुलाव भी बोल सकते हैं और जंगली पुलाव भी बोल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। लेकिन ये बहुत ही मज़े की पुलाव बनता है। हमने पुलाव वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए कुछ सब्जियां ली हैं। ये हमने 2 अदद प्याज लिए हैं, ये काट लिए हैं। ये हमने लंबाई में छोटे पीसेस में गाजर भी 2 अदद 3 अदद तकरीबन काटी होंगी। और हमने 1/2 किलो ये मटर लिए हैं, 1/2 फूल ये हमने उसका गोभी का लिया है, ये फूल नहीं तो बंद गोभी ली है, ये भी हमने काट लिया। और ये हमने 1 अदद शिमला मिर्च ली है, ये 2 अदद आलू लिए, आलू को भी मैं हमने लंबाई में ही काटा है। ये थोड़े से साबुत मसाले हैं, ये दालचीनी के टुकड़े हैं 2 अदद 3 अदद सब्ज़, ये इलायची है 1 बड़ी इलायची है और 3-4 लौंग हैं, ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून धनिया है, ये सब्ज़ मिर्च है, ये हम 3-4 ली हैं, हमने इसको भी बारीक काट लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हमने 1 पाव चिकन ली है, आप अगर चिकन डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं है तो वैसे भी बना लें। ये हमने इमली का पल्प लिया है और ये मसाले हैं कुछ है। ये हमने हसबे ज़रूर नमक लिया है, ये 1 टेबलस्पून हमने ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है और ये धनिया पाउडर भी 1 टेबलस्पून इतना ही लिया है, यानी 1/2 टीस्पून 1 टेबलस्पून हमने ये 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च ली है कुटी हुई पिसी हुई, और ये हमने गर्म मसाला लिया 1 टीस्पून 1 टीस्पून हमने ये चिकन पाउडर लिया है। चिकन पाउडर आपके पास हो तो ऐड कर लें, नहीं तो वैसे भी बहुत मज़े का बनता है। अब हमने ये 1 कप यानी हसबे ज़रूर ऑयल डाल दिया है, 1.5 से 2 कप ऑयल डाला है। हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं, अब इसके अंदर ये हम मसाले डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर हम ये प्याज भी ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, चूल्हे को फ्लेम थोड़ा तेज कर देते हैं। ये प्याज हमारे लाइट ब्राउन तकरीबन हो चुके हैं, इसके अंदर हम अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चिकन भी ऐड कर देंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप इस चटनी से छोटा भी कर सकते हैं, हमारे इसमें थोड़े बड़े रह गए। इसके साथ ही हम आलू भी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको 2 मिनट तक भुनेंगे आलू डालते हैं। हमारे चिकन और ये आलू भुन चुके हैं, इसके अंदर हम ये मटर भी ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इमली का पल्प भी इसके अंदर डाल देंगे। और हम इसके अंदर ये गाजर भी ऐड कर देंगे, ये साबुत मसाले भी ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शिमला मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये हम सब्ज़ी मिर्च भी इसके अंदर थोड़ी सी बचा देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे, फिर बंद गोभी भी ऐड कर देंगे थोड़ी सी, हम दम के ऊपर लगा देंगे थोड़ी सी बचाएंगे। ज़बरदस्त हमारे सब्ज़ी भून चुकी है, इसके मसाले की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब हम इसके चावलों का पानी निकाल देंगे। तकरीबन हमारी सब्जियां कच्ची पक्की भून चुकी हैं, इसको ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसके अंदर हम ये चावल भी ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल किलो से ऊपर है, 1.25 किलो चावल होंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे सब्जियों के अंदर, ये देखिए ज़बरदस्त, वाओ क्या सब्जियां लग रही हैं, खाने वाला तो उंगली खाना चाट जाए। व्यूअर्स अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, 1.25 किलो हमारे चावल हैं, इसके अंदर हम तकरीबन 1.5 किलो पानी लीटर पानी ऐड करेंगे, 1.5 किलो भी डाल सकते हैं चावलों के ऊपर, अगर बिल्कुल अच्छी वाली बासमती है तो फिर उसके अंदर तो कभी पानी लगता है, 1.5 किलो बस इतना डालेंगे कि हमारे चावल डूब जाएंगे। देखिए तो थोड़ा हिला देते हैं,
आप अपने हिसाब से नमक भी चेक कर लें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से नमक भी ऐड कर लें इसके अंदर। इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके अंदर हम ये नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। विवर थोड़ा नमक कम था इसलिए हम थोड़ा एक बार टीस्पून नमक और ऐड करते हैं इसके अंदर। विवर अब 3-4 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, हमारे चावल तकरीबन दम पे आ चुके हैं, बस अब इसको दम पे लगा देंगे। ज़बरदस्त हमारा वेजिटेबल पुलाव तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज़रदा रंग छिड़केंगे। बस इतना ही काफ़ी है। इसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे। बिस्मिल्लाह, तो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। ये थोड़े से हमने वाइट प्याज आधे थोड़े से ब्राउन करके थोड़े से हमने पकाए थे, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। सफ़ेद प्याज है, साथ में मसाला है। अब हम इसको ढक देंगे, चूल्हे की फ्लेम को कम कर देंगे। तीन चार मिनट हो चुके हैं, हमने चूल्हे को बंद कर दिया था। अब इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त हमारे चावल दम लग चुके हैं। ज़बरदस्त हमारे माशाल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। वेजिटेबल पुलाव हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खिले खिले बने। विवाह ये देखें, विवाह हमारे वेजिटेबल पुलाव तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही देखें, दिखने में ही बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप इस एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और खाएं। मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। बेल आइकन प्रेस करने से मेरी आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल जाएगी। थैंक यू।